हेलो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी की जो वैकेंसी निकली है उसके सिलेबस के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। टोटल मार्क्स किन किन सेक्शन में इसके खंड अ एंड खंड ब है। इसमें फर्स्ट सेक्शन है वो 150 मार्क्स का है। इसमें मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो सामान्य ज्ञान होगा तथा कंप्यूटर पर आधारित कुछ क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे। ये 150 मार्क्स के होंगे। एंड जो सेकंड सेक्शन है खंड ब है, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी से रिलेटेड जो होम्योपैथी का जो सिलेबस है जो 5.5 ईयर में बच्चे पढ़ते हैं उसके क्वेश्चन आएंगे, वो 300 मार्क्स के होंगे। टोटल इसे 450 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और जो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे वो 50 होंगे। तो ऐसे करके जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल 500 मार्क्स का होगा। इसमें जो सेक्शन फर्स्ट है खंड अ जो है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में जो होगा मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, ये पूछा जाएगा। तो फर्स्ट है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएँ और प्रमुख राजवंश, इम्पॉर्टेंस हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड द मेजर डायनेस्टी ऑफ MP। सेकेंड है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ MP इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स। थर्ड है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं बोलियाँ, मेन ट्राइब्स एंड द डायलैक्ट्स ऑफ MP। प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत एंड लोक कलाएँ, मेन फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक एंड फोक आर्ट ऑफ MP। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएँ, इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स ऑफ MP एंड देयर लिटरेचर। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ MP। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, मेन टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ MP। फिर सेकेंड जो सब्जेक्ट है वो जो भूगोल का है उसमें क्या, मध्य प्रदेश के वन, पर्वत एवं नदियाँ, फॉरेस्ट, माउंटेन एंड रिवर्स ऑफ MP। मध्य प्रदेश की प्रमुख क्लाइमेट, मतलब प्रमुख जो जलवायु है, क्लाइमेट ऑफ MP, ये पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेस ऑफ MP। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, इसमें एनर्जी रिसोर्सेस, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, जैसे मेन इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ MP। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, इसके कुछ क्वेश्चन आएंगे। इसमें सिलेबस में क्या है, मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ MP, इसमें क्या क्या आएगा, गवर्नर, कैबिनेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ना गवर्नर, राज्यपाल, मंत्रिमंडल और विधानसभा के क्वेश्चन आ सकते हैं। मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज इन MP। मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम ऑफ MP। मध्य प्रदेश की जनांकिकी एवं जनगणना, डेमोग्राफिक एंड सेंसस ऑफ MP। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ MP। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, जो प्रमुख उद्योग है, मेन जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं MP में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। मध्य प्रदेश के कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग, लाइक एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ MP जो है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस टाइप से ये जो मध्य प्रदेश की जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो करेंट अफेयर्स है जो अभी चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी उसमें आएंगे। जो करेंट इवेंट्स है नेशनल के भी हो सकते हैं, वो इंटरनेशनल इवेंट्स भी होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। एंड जो देश एवं प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार तथा खेल की जो संस्थाएं हैं, फेमस स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्समैन वगैरह हैं, जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, जो अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान, है ना, फेमस पर्सनालिटीज़ जो हैं, फेमस जो प्लेसेस वगैरह हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इसमें हम क्या दे सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, संचार है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ई कॉमर्स के जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाएंगे। तो ये जो टोटल है, हमने जो स्टार्टिंग में जो मार्क्स बताए थे कि टोटल 150 मार्क्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे,
उसका हमने पूरा सिलेबस यहाँ पे डिस्कस किया कि जो इम्पोर्टेंस क्या है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है ना, और जो सामान्य जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी इसमें 150 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो होम्योपैथी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है उसका सिलेबस तो है ही, वो तो बेस्ट, लेकिन साथ में 150 मार्क्स बहुत होते हैं। 150 मार्क्स से रिलेटेड जो सिलेबस है उस पर भी ध्यान देना है, उसे भी तैयार करना है बहुत अच्छे से। तो हम उससे रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग उसको हम यहाँ पर कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।